हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। वैसे तो आज भी जब भी बाहर के खाने का मन होता है तो देश के हर बच्चे के मुंह में एक ही नाम आता है, मैकडॉनल्ड्स। पिज्जा हट के पिज्जा की लत और सबवे के सब्स की आदत आजकल किसे नहीं है। लेकिन जरा ठहर जाओ मेरे जंक फूड के शौकीन दोस्तों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जिसे एक हेल्दी वेजिटेबल से भरा हुआ सैंडविच समझ रहे हो वो आपके मुंह में छेद छेद कर दे। आजकल घोर कलयुग का जमाना है बॉस, इसीलिए कोई भी चीज अगर लेनी हो तो उसे देख समझ के ही खरीदो, क्योंकि झोल झपट्टा करने में तो ये MNCs विजय माल्या से भी आगे हैं। खाना खाने के बाद कितने लोग सोडा पीते हैं, लेकिन सोडे में अगर एक चूहा निकले तो कहते हैं पेप्सी प्यास बुझाए, लेकिन पेप्सी साथ में मेडक भी दे जाए। फेमस बर्गर किंग का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उसी सैंडविच में साथ में सिरिंज आ जाए। बैंडेड को घाव पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो बैंडेड फेमस पिज्जा हट के पिज्जा पे लगाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हमारा आज का वीडियो, टाइटल 10 सरप्राइजिंग थिंग्स फाउंड इन योर फेवरेट फूड। नंबर 1, फ्रोजन वेजीज। अब यार अपने भारत में तो फ्रेश लाओ और फ्रेश ही खाओ के हिसाब है, लेकिन ये गोरे लोग बड़े आलसी होते हैं। इनके यहाँ सुपरमार्केट्स में ड्राइड और फ्रोजन सब्जियाँ बिकती हैं, लेकिन चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन मेजर सुपरमार्केट तो इससे एक कदम आगे ही बढ़ गया। 2010 में ग्रैंड लेज मिशिगन में रहने वाले एक हॉफमैन फैमिली ने जब मार्केट से एक फ्रोजन वेजी का पैकेट खरीदा, भाई सस्ता मिला इसलिए बाहर से ही खरीद लिया। लेकिन जब वो घर आए और उस बैग को खोला तो उनके होश ही उड़ गए। वो नजारा इतना डिस्गस्टिंग था क्योंकि उस फ्रोजन वेजी के बीचों बीच एक मरा हुआ मेंढक पड़ा था। हॉफमैन परिवार एकदम घबरा गया और सबसे पहले तो उन्होंने FDA को कांटेक्ट किया, लेकिन जब FDA ने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने ये न्यूज वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर वालों को दे दिया, और नेक्स्ट डे उस न्यूज़पेपर ने मेजर सुपरमार्केट चेन का सबसे बड़ा स्कैम कह के छाप दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर हॉफमैन परिवार चीनी होता तो चुपचाप इसे भगवान की फ्री लॉटरी समझ के खा लेता। नंबर 2, हमारे फेवरेट फ्रेंच फ्राइज। अब वैसे तो मैकडी अपने घोटालों के लिए काफी फेमस है, कभी कुछ मंगाएं और कुछ ही आ जाता है, तो कभी खाने में सड़ी गली सब्जियां, मरी हुई मक्खियां, एक बार तो एक चबाया हुआ च्युइंगम भी मिल जाता है, लेकिन इस बार तो इन्होंने सभी हदें पार ही कर दी। 2009 में एक स्विस लड़की के हैप्पी मील ऑर्डर के फ्राइज में उसे एक चीज मिली जिसका मैकडी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, एक कॉन्डोम। लड़की ने फिर तुरंत वहाँ के लोकल पुलिस को इस बात की खबर दी, और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो मैकडी इस बात का कोई जवाब ही नहीं दे पाया कि वो आखिर आया कहाँ से। अब जैसे कि मैंने कहा, ये मैकडी का पहला केस नहीं है। इसके पहले एक 19 साल के एक लड़के ने बिग मैक ऑर्डर किया था, लेकिन मैकडी ने उसे उसके बन के बीच में फिर से एक कॉन्डोम दे दिया। अब आप ही सोच सकते हैं कि किन हालातों में आपका बर्गर बनता होगा। नंबर 3, माउंटेन ड्यू सोडा। डर के आगे जीत है, लेकिन इस ड्रिंक के अंदर मिलता एक ट्रीट है। अब वैसे तो माउंटेन ड्यू एक वर्ल्ड फेमस ब्रांड है जो न्यूट्रिटिव ड्रिंक की कैटेगरी में भी गिना जाता है। अब यही सब सोचकर एक बार इलिनॉइस के एक आदमी ने वेंडिंग मशीन से माउंटेन ड्यू खरीदा, और उसे खोलते ही उसके अंदर कुछ जेली जैसा दिखा तो उसे समझ आया, ओ भाई ये तो एक मरेला चूहा है। वो बिल्कुल बौखला गया और उसने तुरंत माउंटेन ड्यू के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। अब माउंटेन ड्यू को बचाने आ गई उसकी माँ, मेरा मतलब है उसकी पेरेंट कंपनी पेप्सिको। पेप्सिको ने ये बताया कि जब बॉटल को पैक या सील किया जाता है तब ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जहाँ से कोई भी माउस उसके अंदर जा सके। अब यार हमारी माए कहती हैं कि बाहर की खुली चीजें मत खाओ, पैकेज फूड लो, लेकिन जब इतनी बड़ी MNCs भी ऐसा करेंगे तो इंसान क्या करेगा। नंबर 4, मैकडॉनल्ड्स हैप्पी मील। अब फ्रेंड्स इमेजिन कीजिए कि आप मैकडी गए एक मस्त चिकन हैप्पी मील लेने, और जैसे एक टंगड़ी उठा के उसे चबाने जाते हो आपको मालूम पड़ता है कि वो तो उस मुर्गी की टांग नहीं बल्कि उसकी मुंडी है। बदनसीब फैमिली के साथ हुआ था, तो कैथरीन ओर्टेगा ने चिकन विंग्स का एक बॉक्स खरीदा। कैथरीन के दोनों बच्चे उसकी जान खा रहे थे कि उन्हें घूमी घूमी जाना है पर बाहर चिकन खाना है, लेकिन जब वो मैकडॉनल्ड के चिकन विंग के पार्सल को प्लेट में निकाल रही थी तभी उन्होंने देखा कि चिकन के सभी टुकड़ों में से एक टुकड़ा बहुत अलग दिख रहा है। वो टुकड़ा कुछ और नहीं बल्कि चिकन की खोपड़ी थी जिसे वहाँ के स्टाफ ने बिना देखे सीधा फ्राई कर दिया था। ये मैकडॉनल्ड वालों ने उन्हें वाकई में मुर्गा बना दिया। कैथरीन ने तुरंत उस मैकडी पे केस करके उस पर पूरे $1,00,000 का जुर्माना भी लगा दिया। वहाँ के मैनेजर ने उसे रिश्वत के तौर पर वीक भर का खाने का फ्री में ऑफर दिया, लेकिन उसने नहीं माना और केस कर दिया। सो फ्रेंड्स, क्या आप चिकन खोपड़ी बिरयानी खाना चाहेंगे? नंबर 5, इंडियन करी जार। अब ज्यादातर इन गोरों को हमेशा देसी खाना खाने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन अगले दिन उनकी ये हालत खराब हो जाती है वो अलग बात है। लेकिन जब एक बार कैट बेरेट नाम के एक ब्रिटिशर्स ने बड़ी हिम्मत करके एक $1.49 का टिक्का मसाला सॉस का जार खरीदा तो ये डिसीजन उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और डिस्गस्टिंग डिसीजन बन गया। उन्हें इस बात की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि उनके इतने फेवरेट सॉस में एक मरा हुआ चूहा होगा।
होगा। जब वो शाम को अपने और अपने बॉयफ्रेंड के लिए डिनर बना रही थी, तब उन्होंने जैसे ही वो सॉस पैन में पलटी किया तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ जेली जैसा मोटा सा है। पहले तो उन्होंने उसे कुछ और समझा, लेकिन जब उन्हें उसमें से एक पूंछ दिखाई दी तो उन्हें पता चला कि ये चूहा है जो मर के गल गया है। फिर होना क्या था, उन्होंने तुरंत उस शॉपकीपर को दिखाया और वो फिर वहाँ तूतू मैं शुरू हो गया। अपनी गलती भला कोई मानता है क्या? नंबर 6, पेप्सी। अरे अरे सलमान भाई, लेकिन यहाँ तो पेप्सी का एक घूंट पीना भी भारी पड़ रहा है। अब वैसे तो पेप्सी एक ऐसी कंपनी है जो ड्रिंक्स के अलग अलग फ्लेवर्स के मामले में सबसे पहले आती है, लेकिन ओमंड बीच फ्लोरिडा के फ्रेड डी नेग्रिक के साथ कुछ ऐसा हो गया कि अब से शायद ही वो कभी कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदने का सोचे। उसने दरअसल एक बार एक डाइट पेप्सी खरीदा और जब उसे पीने के लिए खोला तो उन्होंने देखा कि वो थोड़ा गाढ़ा और स्लिमी सा हुआ है और उसका कलर भी चेंज होकर हल्का सा पिंकिश हो गया था। जब फ्रेड ने उसे बाहर निकाला तो उसमें से एक पिंक लुथड़ा निकला। नहीं नहीं, ये एक जेलीफिश नहीं था। फ्रेड ने जब ये बात वहाँ के लोकल पुलिस को बताई और पेप्सी पे केस हुआ तो पेप्सी ने कहा कि इसमें पॉइजनस जैसा कुछ नहीं है और इसका कंफर्मेशन उन्होंने FDA से भी कराया, लेकिन फिर बाद में उसका सही ढंग से इंस्पेक्शन करने पे पता चला कि वो एक मरा हुआ मेढक था। भाई अब क्या डाइट कोक में फ्रॉग डालकर एनर्जी बढ़ाई जा रही है हमारी? नंबर 7, सबवे सैंडविच। आप भाइयों बस इमेजिन करो कि आप सबवे से एक बहुत ही बढ़िया चिकन टिक्का सैंडविच खरीद के खाने जाते हो और जैसे ही आप अपना पहला बाइट लेते हो आपके दांतों के बीच में से एक नुकीला सा चाकू कुटक जाता है। वेल आई नो ये बहुत ही अनबिलीवेबल साउंड कर रहा है, लेकिन यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ऐसा तो वाकई में हुआ है। न्यूयॉर्कर जॉन एग्नेसनाइन जब सबवे से एक सैंडविच ऑर्डर किया तो वहां के वर्कर ने दोनों ब्रेड के बीच में 6 इंच का चाकू भी गलती से सेंक दिया। अब जब जॉन ने अपना सैंडविच खाना शुरू किया तो उनके दांतों के बीच में 6 इंच का चाकू फंस गया। भगवान की मेहरबानी थी कि उनका मुंह तो नहीं कटा, लेकिन उन्होंने वहां के मैनेजर को केस करने की चेतावनी दी। मैनेजर ने फिर उन्हें $20,000 रिश्वत देकर समझौता करने के लिए ट्राई किया और जॉन मान भी गया। अब सबवे के बहुत से फैंस हैं, इसलिए सबवे जैसी जगहों पे ऐसी बात होना उनके लिए बहुत ही बड़ी आफत हो जाती है, इसलिए मैनेजर ने समझौता कर लिया। जॉन भाई तो मस्त चालू निकले, सैंडविच तो खाया ही और उसके साथ 14 लाख रुपए भी कमा लिए। नंबर 1, बर्गर किंग ब्रेकफास्ट सैंडविच। खास करके दो जगह के बर्गर बहुत फेमस होते हैं, एक तो बर्गर किंग या फिर मैकडी। नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। अरे भाई टेस्ट ऐसा होता है कि मुंह में पानी आना ही है, पेट भरेगा नियत नहीं। लेकिन अगर आपको अपने सैंडविच में से एक सुई मिल जाए तब भी आपके मुंह में पानी आएगा क्या? वेल फ्रेंड्स, एंजेलिका क्रूज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। क्वींस न्यूयॉर्क की रहने वाली एंजेलिका ने बर्गर किंग से अपने ब्रेकफास्ट में एक सॉसेज एंड एग सैंडविच ऑर्डर किया। जैसे ही उन्होंने उसका पहला बाइट लिया तुरंत उनके गालों में कुछ चुभा। उसको बाहर निकाला तो देखा कि वो सिरिंज है और उसी का नोक उन्हें चुभ रहा था। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था, उनके गालों को छेद कर बाहर आ सकता था, इसलिए उन्होंने उस रेस्टोरेंट के खिलाफ $11 million का केस कर दिया। उस केस के बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन हाँ ये पता चला कि अगर सैंडविच मिला तो उसे हमेशा देख के ही खाना चाहिए, क्या पता उसकी वजह से कितने सिरिंज लगवाने पड़ जाएं। नंबर 9, पिज्जा हट। पिज्जा नाम सुनते ही सबसे पहले वो मस्त गर्मा गर्म टपकता हुआ चीज याद आ जाता है। भाई प्लीज जा, प्लीज जा, पिज्जा। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कि इस केस में चीज के साथ मिला हुआ क्या पाया गया। वेल वेल्स्टन लेक न्यूयॉर्क के केन विजरजैन एक बार पिज्जा के लिए फेमस पिज्जा हट के एक सुप्रीम पिज्जा को उन्होंने ऑर्डर किया। उनका ऑर्डर आने के बाद उन्होंने तुरंत उसे खाकर मजे लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही वो पहला बाइट खाने गए तो उन्हें कुछ बहुत ही स्क्विशी सा लगा और वो उसे ठीक से चबा भी नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने थोड़ा और ध्यान से देखा तो पता चला कि वो एक बैंडेड है जो पिज्जा के चीज के साथ पूरी तरह से मिक्स हो गया था। सबसे अजीब बात तो ये है कि जो बैंडेड था वो खून से रंगा हुआ था। इससे ज्यादा डिस्गस्टिंग और क्या हो सकता है यार। अब इसके बाद जब उन्होंने इसकी कंप्लेंट रेस्टोरेंट वालों से की तो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन कैन चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे। वो तुरंत मीडिया के पास गया और उसने सब बता दिया और प्रूफ तक दिखाया। उसके बाद तो जो पिज्जा हट के रेपुटेशन की वाट लगी वो अलग बात है। उस रेस्टोरेंट ने उसे इग्नोर करके वाकई में एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। नंबर 10, राजमा चिली। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ अंग्रेज चटपटा खाना देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, ऊपर से अगर बात राजमा चावल की हो तो मजा डबल हो जाता है। लेकिन सैन जोस कैलिफोर्निया में रहने वाली एक लड़की के साथ तो कुछ और ही सीन हुआ। उसने वेंडीज फूड से राजमा चिली ऑर्डर किया और जब वो उसमें बटर मिक्स कर रही थी तब उसने देखा कि चिली के साथ कोई वियर्ड सी चीज थी। उसने जैसे ही उस चीज को बाहर निकाला तो वो देखते ही हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वो एक रियल उंगली थी, वो भी एक इंसान की। उसने तुरंत वहां के लोकल पुलिस को बुलाया और केस किया। केस सॉल्व
होने के बाद डिटेक्टिव ने बताया कि वो फिंगर किसी नेवाडा में रहने वाले इंसान ने रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक औरत को दिया था और बोला था कि इसे किसी भी खाने में डाल के किसी को भी खिला दे। ऐसा कौन करता है बे? और सबसे वियर्ड बात तो ये है कि वो औरत मान भी गई। अब फ्रेंड्स, हमने जितने भी कंपनीज के बारे में बात की है ये सब काफी फेमस और मल्टीनेशनल कंपनीज थे। अब यही सब ऐसा लूट और स्कैम इन्होंने मचा रखा है तो भाई हमारे बगल वाले राजू भैया के गर्मा गर्म समोसे में क्या खराबी है? इसलिए हमेशा एज अ ग्राहक सतर्क रहिए और सावधान रहिए कि आप क्या खरीद रहे हो और उसमें क्या खा रहे हो। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।